नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका रिजान अकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में इंस्ट्रक्शंस और जो गाइडलाइंस है आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है 2 मार्च से 24 मार्च तक, उसके रिलेटेड जो भी MSBT ने इंस्ट्रक्शंस दिए वो इस सारी वीडियो में कवर करना चाहता हूँ। ये वीडियो लास्ट तक देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्जेक्ट है इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइन फॉर स्टूडेंट्स रिगार्डिंग विंटर 2020 MCQ बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशंस। तो उन्होंने बताया कि 2 मार्च से जो जाने एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं उसके लिए सब इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आपको दिए हैं। तो इंस्ट्रक्शंस जो पहला है वो क्या है कि जो भी आपने नंबर आपके कॉलेज को दिया है, MSBT को दिया है, वो नंबर आपको क्या करना है, वर्किंग कंडीशन में रखना है। अगर उसका बैलेंस प्रीपेड है तो उसको बैलेंस रखना है उसमें। अगर कुछ पोस्टपेड में आउटस्टैंडिंग बैलेंस है तो वो भी आपको क्लियर कर देना है, उसको चार्जिंग और उसका डाटा भी आपको चेक करते रहना है। फिर उसके बाद है कि आपको URL आएगी एग्ज़ाम के लिए, वो URL आप MSBT के ऐप से भी लॉगिन कर सकते हो, नहीं तो वो URL पे क्लिक करके भी एग्ज़ाम को अपीयर हो सकते हो। अभी ये जो एग्ज़ाम है आप विंटर 20 का, आप अपने पर्सनल लैपटॉप से दे सकते हैं, कंप्यूटर से दे सकते हैं, लेकिन उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है विंडोज 7 चाहिए, उससे हायर चाहिए, ठीक है। और उसका जो स्पीड है वो 1 MBPS का चाहिए। अभी उन्होंने 5वां पॉइंट दिया है कि आप मॉक टेस्ट के लिए अपीयर हो सकते हैं 24 फरवरी और 25 फरवरी को, ठीक है। तो आपको फाइनल एग्ज़ाम कैसे होने वाली है वो पता चल जाएगा। फिर कोई स्टूडेंट है, इन केस द एग्जामिनर डज नॉट हैव फैसिलिटी टू अपीयर, कोई स्टूडेंट है जो क्या कर सकता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दे सकता है, तो उसने क्या करना है, उसके नज़दीक के कॉलेज पर जाना है, फिर उसके उनके प्रिंसिपल को मिलना है और बोलना है कि मुझे आपके सेंटर पर ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है। अभी बी पॉइंट आता है, बी में फर्स्ट है द ऑनलाइन एग्जामिनेशन आर कंडक्टेड एज पर द टाइम टेबल। आपका जो टाइम टेबल है वो आप टाइम टेबल के हिसाब से आपकी एग्ज़ाम होगी। द एग्जामिनर कैन सी द लिस्ट ऑफ थियरी एग्जामिनेशन और टू अपीयर ड्यूरिंग द विंटर 20 एग्जामिनेशन। उसने क्या करना है, आपका आप कौन कौन से सब्जेक्ट अपीयर कर रहे हैं वो उसने वहाँ पर देखना है। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिंक फॉर द एग्जामिनर विल बी एक्टिवेटेड ऑन द डेजिग्नेटेड डेट इन द टाइम स्लॉट अलोकेट। अभी आप कंसिडर कर लिया आपका 5 मार्च को पेपर है, तो वो टाइम पे आपका जो लिंक होगा वो वहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। अभी जो सुबह का सेशन रहेगा, मॉर्निंग सेशन, वो 10 से 12 बजे के बीच में रहेगा, और जो आफ्टरनून सेशन है वो 2 से 4 के बीच में रहेगा, ठीक है। जो स्टूडेंट्स दिव्यांग है उनके लिए कुछ अलग फैसिलिटी रहेगी, लेकिन उनको MSBT का वहाँ पर अप्रूवल लेना है। अभी काउंटडाउन टाइमर तक कब स्टार्ट होगा, जब आप एग्ज़ाम स्टार्ट बटन दबाओगे तब स्टार्ट होगा। अभी जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो वहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके आजू बाजू में कुछ भी बुक, रिटर्न मटेरियल, फोटोकॉपीड मैटर, गैजेट्स कुछ भी नहीं होना चाहिए, आपके सिवाय वो रूम में कोई भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अभी 6ठा जो पॉइंट है उसमें बताया है कि आप ही एग्ज़ाम दे रहे हो, जो एग्जामिनी है वो ही दे रहा है कि नहीं वो चेक करने के लिए बीच बीच में आपका क्या करने वाला है, फ्रंट कैमरे से आपका फोटोग्राफ लेने वाले हैं टू अवॉइड माल प्रैक्टिस। अभी अगर आप लॉगिन करते हो फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन रीड करना है, फिर स्टार्ट बटन आपको दबाना है। इसमें एग्ज़ाम में क्या है कि टोटल 40 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क रहेगा, उसमें से आपको 30 क्वेश्चन छुड़ाना है। 30 क्वेश्चन में आपका मार्क्स कंसिडर, 30 क्वेश्चन के ऊपर अगर आप क्वेश्चन छुड़ाते हो तो वो और में पकड़े जाएंगे, ठीक है। फिर 30 में से ही आपको मार्क्स आएंगे। एक्चुअली आपको स्क्रीन पे एक ही क्वेश्चन एक ही टाइम पे दिखेगा, ठीक है। बाद में उन्होंने बोला है कि सेव एंड नेक्स्ट का वगैरह ऑप्शन रहता है वहाँ पे, आपको ऑप्शन क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बोलना है। 13 नंबर का पॉइंट है कि एग्जामिन कैन एंड द एग्जामिनेशन आफ्टर ही इज़ कन्विंस टू हैव ए कम्प्लीटेड। अभी एग्ज़ाम कम्प्लीट के बारे में, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका एग्ज़ाम हो गया है तो आपने एंड बटन दबाना है, एंड एग्ज़ाम, फिर उसके बाद वापस से एक विंडो पॉपअप होगा एंड एग्ज़ाम कंफर्म करने के लिए, उसको क्लिक करने के बाद आपका एग्ज़ाम एंड हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप एग्ज़ाम एंड नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली 1 आवर के बाद आपका एग्ज़ाम एंड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा है, ये आपको अगर आप लॉगिन करते हो ऐप से तो आपको प्रॉपरली लॉग आउट भी करना है, ठीक है। अगर आपका कुछ पावर फेल्योर या इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से कुछ प्रॉब्लम होता है तो पैनिक नहीं होना है, वो एग्ज़ाम वहाँ से वापस रीस्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ऐसा ये वीडियो था, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।